जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 71 और 72 पर चर्चा करेंगे। विहाय कामान्य सर्वान् पोश्चरिति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिमधि गच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी यह समझा रहे हैं कि सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति का अनुभव कर सकते हैं। किसी भी वस्तु के प्रति मोह न रखना, अहंकार न करना। जो व्यक्ति इन गुणों को धारण कर लेता है तो वह मानसिक शांति और संतोष को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि फल की अपेक्षा न करते हुए कर्म और अहंकार न करने से ही सच्ची शांति मिलती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वा अवस्था अनंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण गृच्छति। ब्राह्मी स्थिति हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति इस अवस्था को प्राप्त करके मनुष्य कभी मोह में नहीं पड़ता और इस स्थिति में स्थित रहते हुए अंत काल में भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है कि ऐसी मानसिक अवस्था जहाँ व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है और उसे परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव होता है। यह श्लोक जीवन की उस अंतिम अवस्था का वर्णन करता है जहाँ व्यक्ति का मन और आत्मा स्थिर हो जाते हैं। वह सांसारिक मोह माल से परे उठकर सच्चे ज्ञान और शांति का अनुभव करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि जो इस अवस्था में स्थिर रहता है उसे अनंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यह अध्याय हमारा 2 इसी के साथ समाप्त होता है। ये इस अध्याय का नाम था सांख्य योग, इसमें बेहतर श्लोक है। धन्यवाद। राधे राधे।